वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पवार आज आपको एक्सेल टेम्पलेट स्मार्ट टू डू चेकलिस्ट डैशबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं हाउ टू यूज का पोर्शन कवर करने वाला हूँ। आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड नहीं की होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको हेल्प शीट में जाना है। हेल्प शीट में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने एक्टिविटीज़ मेंशन किए, ये सारे एक्टिविटी आपको फॉलो करके टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करना है। राइट साइड में आप देख सकते हो कि वीडियो की लिंक भी मैंने प्रोवाइड किए, फीचर वीडियो एंड हाउ टू यूज़ वीडियो, ये आप यहाँ से भी ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। इस टेम्पलेट के डिटेल फीचर मैंने एक अनदर वीडियो में मेंशन किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्रोवाइड की है। अगर आपको डिटेल फीचर जानने हैं तो वीडियो आप देख लीजिए। अभी मैं इस वीडियो में आपको कैसे यूज़ करना है वो बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट, इस टेम्पलेट में आप फ्रीक्वेंसी के सिलेक्शन के बेसिस पे ऑटोमेटिकली टास्क प्लान करेंगे। अगर आपने डेली सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली टास्क डेली प्लान होंगे, वीकली सिलेक्ट किया तो वीकली ऑटोमेटिकली प्लान होंगे, मंथली सिलेक्ट किया तो मंथली के हिसाब से, फोर्टनाइटली के हिसाब से, क्वार्टरली, एवरी 3 मंथ प्लान होगा, एवरी 2 मंथ, एवरी 6 मंथ, ईयरली, और आप कस्टम डेज भी सेट कर सकते हो। कस्टम डेज में अगर आप 10 डेज मेंशन करते हो तो एवरी 10 डेज में प्लान होगा, 5 मेंशन करते हो तो एवरी 5th डेज में आपका टास्क प्लान होगा। अभी टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस येलो कलर के फील्ड में से ही डेटा आपको डिलीट करना है, बाकी के फील्ड में आपको कुछ भी करना नहीं है, बाकी के फील्ड में फार्मूलाज कंटेन है। सिंपली आपको डेटा सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। इस तरह से आपको क्लियर कर देना है। टास्क मास्टर में आना है। टास्क मास्टर में मैंने जो भी ट्रायल एंट्रीज किए उन सारे को ऐसे सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है और डिलीट करना है। ऐसा कुछ पॉपअप आएगा, उसके ऊपर एंड पे क्लिक करना है। अभी इस रेफरेंस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आना है। या आपको क्या करना है, आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट की लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है। बाद में एम्प्लॉय की लिस्ट, क्या क्या कौन सी एम्प्लॉय आपके पास है, उनके सारे एम्प्लॉय की नेम की लिस्ट आपको यहाँ प्रिपेयर करनी है। प्रायोरिटी आप कैसे सेट करना चाहते हो, लो, मीडियम, हाई। अगर ये नेम आपको ओके है तो आप रहने दीजिए, नहीं तो आप अगर दूसरा P1, P2 ऐसा कुछ भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। आपके हिसाब से प्रायोरिटी की जो टर्म्स आप डिसाइड कर सकते हो। अभी टास्क शेड्यूलिंग में आना है आपको। या आपको क्या करना है, जो भी आपने डिपार्टमेंट यहाँ डिफरेंट ड्रॉप डाउन में प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी आपको। इस तरह से आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, डूअर जो भी है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, या टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क आपको मेंशन करना है जो भी टास्क है। प्रायोरिटी आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई। फ्रीक्वेंसी आप डेली सिलेक्ट, डेली या मंथली, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो सिलेक्ट करना है। अभी मैं एक टेस्ट टास्क डालता हूँ। प्रायोरिटी में इसकी अगर हाई रखता हो, ओके। और अभी आपको यहाँ स्टार्ट डेट मेंशन करनी है। अभी 2024 ईयर का अगर प्लान कर रहे हैं तो 2024 सिलेक्ट करना है। अगर दूसरा ईयर चल रहा है तो आप उसके हिसाब से वही ईयर सिलेक्ट करना है आपको। या अभी स्टार्ट डेट, अगर मुझे 1 तारीख से प्लान करना है तो मैं 1 तारीख का या 1 तारीख मेंशन करूँगा। आप देख सकते हो कि 1 तारीख मैंने स्टार्ट डेट मेंशन की है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली डेली प्लान हो चुका है। अभी इस टेम्पलेट की खास बात क्या है कि ये हॉलीडे या वीक ऑफ भी स्किप करता है। अभी इस सेटिंग शीट में अगर आएंगे आप तो मैंने क्या किया है, यहाँ वीकली ऑफ कोड 11 किया है, मीन्स क्या है, संडे, मेरा वीकली ऑफ संडे। पर अगर आपका वीकली ऑफ अलग है तो आप इस कोड में आपका इसमें कहाँ आता है वीकली ऑफ वो देख लीजिए। अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे संडे है तो आपको एक कोड सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से जो 1 कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपका जो भी वीकली ऑफ होगा उसके हिसाब से वीकली ऑफ सिलेक्ट कीजिए। बेस्ड ऑन दिस,
ये कलर हाईलाइटिंग भी हो जाएगा, अगर मतलब अगर आप सेटिंग में सिलेक्ट करते हो वन, तो टास्क शेड्यूलिंग में आप देख सकते हो कि सैटरडे संडे हाईलाइट हो चुका है, 6 और 7 जो डेट है वो भी यहाँ नहीं आ रही है। जो ब्लू कलर में शेड्यूलिंग प्लानिंग की जो डेट है उसमें वो डेट नहीं आएंगी, हॉलीडे या वीकली आपकी डेट नहीं आएंगी। हॉलीडे का ही मेंशन करने है, हॉलीडे की लिस्ट यहाँ प्रिपेयर करनी है। तो इन शॉर्ट हॉलीडे और वीकली ऑफ डेज स्कीप होंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप वीकली ऑफ और हॉलीडे में प्लान नहीं होगा। इस तरह से आपको आपके सारे पहले तो टास्क लिस्ट प्रिपेयर करनी है, बाद में फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, क्या क्या फ्रीक्वेंसी में सेट करना है आपको, और स्टार्ट डेट्स सबकी स्टार्ट डेट मेंशन करनी है। वीकली सिलेक्ट करोगे तो वीकली के हिसाब से प्लान होगा, मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, ऐसे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है। आप कस्टम डेज भी कर सकते हो, कस्टम डेज भी सिलेक्ट करना है सिंपली। अगर आप एवरी 6 डेज प्लान करना चाहते हो तो यह सिंपल 6 एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली एवरी 6 डे प्लान होगा। तो मैं मेरे सारे टास्क यहाँ एंटर कर देता हूँ। मैंने मेरे सारे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के जो भी डूअर है और उनके टास्क यहाँ फिल कर दिए है, प्रायोरिटी भी मैंने सिलेक्ट की है और फ्रीक्वेंसी भी मैंने डिसाइड कर दी है और स्टार्ट डेट भी मैंने मेंशन कर दी है। अभी 2024 का प्लान कर रहे हैं तो 2024 सिलेक्ट करना है, अगर 2025 अगर करना है तो 2025 सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली 2025 का होगा। पर अभी 2024 का मुझे टास्क प्लानिंग करना है टास्क मास्टर शीट में, ये जो टास्क मास्टर शीट में प्लान करना है तो मैं 2024 ही सिलेक्ट करूँगा। अभी टास्क मास्टर में आना है आपको। अभी यह टास्क ऐड करने के लिए या आप देख सकते हैं कि ऐड टास्क का बटन है। अभी ऐड टास्क का बटन मे बी जब आप डाउनलोड करोगे एक्सेल टेम्पलेट वो मे बी वर्क नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हेल्प शीट में मैंने यहाँ 7 और 8 नंबर की जो स्टेप्स बताई है उसमें मैंने ये शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट वीडियो को आपको देख लेना है। उसमें एक सेटिंग करना पड़ेगा आपको, एनेबल करना पड़ेगा मैक्रोज, और जो भी मैक्रोज ब्लॉक है वो भी उसको भी अनब्लॉक करना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो कोडिंग रन होगी आपके टेम्पलेट में। तो सिंपली आपको ये हेल्प शीट में ये दोनों वीडियो देख के और सेटिंग करके लेनी है आपके एक्सेल इस शीट में, ठीक है। तो बाद में टास्क मास्टर शीट में आपको टास्क ऐड कर करना है। तो टास्क ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड टास्क पे क्लिक करना है। अभी मुझे जनवरी मंथ का टास्क प्लान करना है तो मैं जनवरी मंथ का डेट एंटर करूँगा, स्टार्ट डेट जनवरी मंथ की एंड डेट। अभी एंड डेट पूछ रहा है तो मैं एंड डेट मेंशन करूँगा। आप आपके हिसाब से अगर डेली करना है तो डेली का भी कर सकते हो, एक एक तारीख सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, या वीक का भी कर सकते हो, या एवरी 3 मंथ या 6 मंथ का भी वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हो स्टार्ट एंड डेट का जो डेट स्पैन है। पर अभी मुझे एक महीने का ही करना है जनवरी महीने का, तो मैं 31 तारीख ही एंटर कर रहा हूँ। इस तरह से 1 से 31 तक मैं प्लान कर रहा हूँ, सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकेंगे कि ऑटोमेटिकली टास्क यहाँ सेव होना चालू होता है, और टास्क सेव होने के बाद एक मैसेज पॉपअप पे आता है, टास्क लिस्ट प्रिपेयर सक्सेसफुली फॉर द सिलेक्टेड डेटा रेंज, टोटल टास्क एडेड 25। अभी 25 टास्क ऐड हो चुके हैं। अभी टास्क तो ऐड हो चुके हैं, अभी टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, या स्टेटस का एक कॉलम है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर सिंपल आपको डन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली एक्चुअल टाइम स्टैम्प यहाँ अपेयर हो जाएगा। बाकी के टास्क कंप्लीट करने के लिए सिंपल आपको ऐसा डन करके आप टास्क कंप्लीट कर सकते हो। अभी जो टास्क ऐड हुए ये डैशबोर्ड में आपको दिखाई देंगे, वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए आपको रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा आपके करंट डेटा के हिसाब से। अभी 2024 के ऐड किए तो 2024 पे क्लिक करना है,
2024 के ऑटोमेटिकली सारे टास्क आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप मंथ के हिसाब से भी टास्क फिल्टर कर सकते हो, प्रायोरिटी के हिसाब से भी कर सकते हो। अभी हमने जनवरी मंथ की ही टास्क ऐड किए तो सिर्फ जनवरी मंथ का ही हमें दिखाई दे रहा है। प्रायोरिटी के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो, हाई, लो, मीडियम। डेट वाइज भी आप प्लान फिल्टर कर सकते हो। अभी फिल्टर लगाया मैंने, इसको क्लियर करना कैसा है, यह क्लियर फिल्टर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं क्लियर कर सकता हूँ। डेट वाइज भी मैं टास्क फिल्टर कर सकता हूँ, 1 तारीख का 4 तारीख का 6 तारीख का 8 तारीख का, इस तरह से मैं डेट वाइज भी फिल्टर कर सकता हूँ। नीचे में डिपार्टमेंट वाइज भी फिल्टर कर सकता हूँ, सिंपली डिपार्टमेंट भी क्लिक करना है मुझे तो उस डिपार्टमेंट के टास्क का स्टेटस मुझे शो होगा। एम्प्लॉय वाइज भी कर सकता हूँ और ये टास्क डिस्क्रिप्शन वाइज भी मुझे स्टेटस शो होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा और टेम्पलेट आपको यूजफुल रही होगी। सो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।